संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग जनरल सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी न्यूरो सर्जरी नेत्र रोग फिजियोथेरेपी स्त्री एवं प्रसूति रोग हृदय एवं शुगर रोग हड्डी एवं जोड़ रोग कार्डियोलॉजी दंत रोग इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU NICU कैथ लैब एयर ट्रांसप्लांट प्राइवेट कमरे यूरोलॉजी सीटी स्कैन लैप्रोस्कोपी एक्सीडेंट ट्रॉमा हार्ट अटैक चले का इलाज डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। जो मुख्य मुद्दा है प्रदेश में अभी जिस तरीके से करनाल के अंदर आपने देखा होगा लाठीचार्ज का सारा मामला है, उसमें मैं कुछ बातें आपके बीच में शुरुआती तौर पर मैं पूछता हूँ। उसके बाद जो प्रश्न है हम सब उस पे कोई और भी प्रश्न है आपके, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी 2500 दिनों के जो कॉन्फ्रेंस भी शायद कर रहे हैं कुछ उपलब्धियाँ सरकार की, हो सकता है ऐसे कुछ विषय हो जिनके बारे में आपके प्रश्न हो। और पहले जो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा, सबसे पहले तो जो ये करनाल के अंदर हुआ है जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ख़ास तौर पे टोल पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए धरना स्थल पर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और जो स्पष्ट रूप से अधिकारियों की कई वीडियो वायरल हुई आप लोगों ने देखा, उससे हम उस सारे बात को देखते हुए हमारा जो बार बार हम कहते थे आप लोगों के बीच में कि ये सरकार बार बार किसानों को उकसाने का काम करती, उनको जो शांति से बैठे तो उनको बार बार इस प्रकार से छेड़ा जाता है, उनको उकसाया जाता है, इससे सरकार की क्या नीयत है इस पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उसी संदर्भ में सरकार का वो जो रूप था वो बेनकाब हुआ, वो चेहरा दोबारा से सामने आया और ये जो सरकार है, बाकी सारी बातें आपके सामने हैं उनके आंदोलन है, ये जो उकसाने वाली बात जो है, जितनी कड़ी भाषा एक SDM अधिकारी ने वहाँ बोली है, जब तक कहीं ना कहीं सरकारी शय ना हो तो हम आपसे सवाल पूछते क्या वो संभव है। कोई सरकारी संरक्षण, कोई सरकारी शय, सरकारी दिशा निर्देश ना हो तो क्या वो संभव है? तो हमारी मांग है, इस पहले हम अपनी मांग रखें कि इस पर क्या मांग है। सबसे पहले तो तुरंत इस केवल प्रकरण पे, बाकी आंदोलन को लेकर क्या मांगे हैं, आंदोलन में जिन लोगों की किसान परिवारों की में से जो किसानों की जाने गई उनको लेके क्या मांगे, उनका आपको पता है, हम रिपीट भी कर देंगे बाद में, पर इस मामले में सबसे पहले तो इसकी जो है जो जिन अधिकारी का स्पष्ट रूप से एक वीडियो सामने आया है उसमें तो कुछ बचता नहीं उस वीडियो को देखने के बाद, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए इस पूरे मामले की, ताकि ये स्पष्ट रूप से सामने आ सके जो हम बार बार कहते हैं कि सरकार शांति से बैठे किसानों को उकसाने का काम करती है। दूसरी बात तो ये तो हमारी दो मांगे हैं कि जुडिशियल प्रोब हो और उस अधिकारी को तुरंत रूप से सस्पेंड किया जाए। यदि सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो और भी उस बात को जो हमने जो कही है उस बात को और भी प्रमाणित वो बात होती है कि ये सरकारी शय पे, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती उन अधिकारी के खिलाफ तो कहीं ना कहीं सरकारी शय, सरकारी संरक्षण, कोई ना कोई ऐसा दिशा निर्देश सरकार की तरफ से था, ये बात और भी ज़्यादा प्रमाणित होती है। तो ये तो हमारी मांग हो गई। इसके साथ साथ जहाँ तक किसानों की बात है, हम किसानों की
और जो इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि इस प्रकार से उकसाने के बावजूद, इस प्रकार से पुलिस बल के प्रयोग के बावजूद किसान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में शामिल रहे, और यही लोकतंत्र के अंदर आंदोलन की सफलता का मूल कारण शांति और अहिंसा के पथ पे कोई आंदोलन रहता है तो उसकी ताकत बनती है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये हम किसानों की प्रशंसा इस मामले में भी करते हैं कि इतना बड़ा उकसाने जैसा जैसी कार्रवाई हुई, उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी शांति, किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को शांति के रास्ते पे रखा, और साथ ही उनकी प्रशंसा भी करते हैं। और ये हमें विश्वास है कि शांति के रास्ते पे ही ये आंदोलन रहेगा, और हम अपील भी करते हैं कि किसान इसी रास्ते पे रहें, इसी रास्ते से किसान की आवाज़ की ताकत बढ़ेगी। इसके साथ अधिकारियों के लिए भी हम एक बात कहना चाहते हैं, जो अधिकारी लोकतंत्र को लठतंत्र मान रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया वो ना तो संवैधानिक था, ना लोकतंत्र की मर्यादा के दायरे में था, हर तरह की सीमाओं को लांघने का काम किया गया। किसी को अधिकार नहीं है ये आदेश देने का, और ख़ास तौर पे जो SDM थे उन्होंने कहा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप उन्होंने ये कहा, अगर आप प्रशासनिक नियमों को समझें और उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें, तो स्पष्ट रूप से एक बात सामने आती है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की क्यों आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है कि जो वर्दी में है वे संयम रखें, क्योंकि वर्दी में अधिकार है बल प्रयोग करने का, इसीलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहीं भी किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की एक जो है प्रशासनिक जिम्मेदारी बनता है, जिम्मेदारी तय की जाती है। यहाँ उल्ट हो रहा है, यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई कोई बिना सर फूटे ना आए, आप लाठी का प्रयोग करें, आप बल का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, यस सर, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम उस बात में डिटेल में नहीं जाना चाहते, मगर कहने का मतलब ये है कि अधिकारी लोकतंत्र की गरिमा समझे, संविधान में की सीमाएं समझें, संविधान में लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कुछ जो सरकारी अमले में शामिल है कुछ अधिकार दिए, मगर उनकी जिम्मेदारी भी साथ में तय की गई, और ये समझे अधिकारी कि लोकतंत्र की प्रक्रिया बदलाव की प्रक्रिया होती है, सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती जाती हैं, और यदि कोई सरकार कोई अधिकारी लोकतंत्र को लठतंत्र समझने की गलती करता है और अपनी सीमाओं को लांघने का काम करता है, तो आने वाले समय में सरकार बदलने के साथ उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, ये भी अधिकारियों को समझना चाहिए।